सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दिति तुसके सतगुर दिति तुसके बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दिति तुसके सतगुर दिति तुसके बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टे हर अमृत परे भंडार हर अमृत परे भंडार सब किछ है घर तिसके सब किछ है घर तिसके बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दिति तुसके सतगुर दिति बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक बाबुल मेरा वट समरथ बाबुल मेरा वट समरथ कर्ण कारण प्रभारा कर्ण कारण प्रभारा
दुख कोई ना लागे। जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, पौजल पार उतारा। पौजल पार उतारा, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की कीते। सतगुरु दित्ते तुसके, सतगुरु दित्ते तुसके, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल कीते, कमल की टेक। आद जुगाद भगतन का राखा, आद जुगाद भगतन का राखा, उस्तत कर कर जीवा। उस्तत कर कर जीवा, नानक नाम महारस मीठा। नानक नाम महारस मीठा, अन दिन मन तन पीवा। अन दिन मन तन पीवा, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक। हर चरण कमल की टेक, सतगुरु दित्ति तुसके, सतगुरु दित्ति तुसके, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा, तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा, तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा।
अंतर की विद तुम ही जानी, तुम ही सज्जन सुहेले। अंतर की विद तुम ही जानी, तुम ही सज्जन सुहेले। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगया तोले। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगया कवन हमारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, तुझ बिन कवन हमारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। वर्ण न सकूं तुमरे रंगा, गुण निदान सुख दाते। वर्ण न सकूं तुमरे रंगा, गुण निदान सुख दाते। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुरु ते जाते। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुरु ते जाते। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। ब्रह्म भव काठ किए नह केवल, जब ते हो मैं मारी। ब्रह्म भव काठ किए नह केवल, जब ते हो मैं मारी।
दरसा साध संगत दरसारी जन्म मरण पो चूको सैसा साध संगत दरसारी साध संगत दरसारी साध संगत दरसारी तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण चरण पखार करो गुर सेवा बार जो लख परिया चरण पखार करो गुर सेवा बार जो लख चरण पखार करो गुर सेवा करूं गुर सेवा चरण पखार करूं चरण पखार करो गुर सेवा बार जो लख परिया जे प्रसाद ए भौजल तरिया जन नानक प्रसंग प्रसाद एह भौजल तरिया जन नानक प्रसंग मेरिया जन नानक प्रसंग मेरिया जन नानक प्रसंग मेरिया तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा मेरे प्रीतम प्राण बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा हर जियो निमाणिया तुम मान हर जियो निमाणिया तुम मान न चीज या चीज
करे मेरा गोविंद। न चीजियां चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाने आ तुमान, हर जियो निमाने आ तुमान। गई पहोड़ बंदी छोड़, नरंकार दुखदारी। कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया धारी। नाम प्रयोग है भगत गोविंद का, ए राखो पैज तुम्हारी। हर जियो निमाने आ तुमान, हर जियो निमाने आ गोविंद। ना चीजियां चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाने आ तुम मान, हर जियो निमाने आ तुम माने। जैसा बालक भाए सुभाई, लखी अपराध कमावे। कारी उपदेश झिड़के भाती, बहुत पिता गल लावे। पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ, आगे मार्ग पावे। प्रभ आगे मार्ग पावे। हर जियो निमाने आ तुम मान, हर जियो निमाने आ तुम मान। चीजियां चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाने आ तुम मान। हरि अंतर जामी
सब विद जाने ता किस पे आँख सुनाये। कहने कथन ना बीजे गोविंद हर भावे पे जिद खाये। और ओट मैं सगली देखी और ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओत दहाये। हर जियो निमाने तू मान हर जियो निमाने तू मान नचीजे चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाने तू मान हर जियो निमाने सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अब खद मुख पाया जन नानक सुख बसंती। हर जियो निमाने तू मान हर जियो निमाने तू मान नचीजे चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाने तू मान हर जियो निमाने तू मान। नचीजियां चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान। जे कोई गुरु दे दर ते निम्रता दे नाल आ जावे अपना अहंकार त्याग देवे क्योंकि गुरु घर विच दो तरह दे मनुख कदे नहीं बख्शे जांदे एक ता अहंकारी दूसरा अकिरत घन जो ना शुकरा मुल पुरख है वो कदे नहीं बख्शा जाता। गुण गाउंदियां होया जेड़ा मनुख अहंकार कर रहा है मान कर रहा है मेरे वर्गा कौन है वो गुरु दे दर तों कुछ ले जा नहीं सकता। जे कोई नीवा होके टह पवे तां बख्शन विच देरी नहीं
पर हजूर दा हुक्म है हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दियो मुख लाया। हंकारियां ते निंदकां वलों अकिरत कणा वलों परमेश्वर दी पिठ है जिस करके वो बख्शे नहीं जांदे ते निमाणियां नूं सदा मान मिलदा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे दर ते सत्ता और बलवंडा कीर्तन करया करदे सन। जदों मनुख गुरु की कीर्ति गुरु की उस्तत लालची बन के कर रहा है तो गुरु की बख्शिश तो खाली है। जदों प्रगट गुरां की देह हाजर नाजर निरंकार नू सामने बिठा के कीर्तन कर रहा है तो वह कीर्तन परवान है और गुरु भी ऐसे कीर्तनिया दे बाणी द्वारा तारीफ कर रहा है कि भलो भलो रे कीर्तनिया। वो भला है जेड़ा एक निरंकार नू मुख रख के कीर्तन कर रहा है। निमाणियां नू मान देन वाले धन गुरु अर्जन देव पातशाह एक ऐसे पुरखां दी बांह फड़ी जेड़े अत गरीब सन कंगाल सन जिन्हां दा कोई आसरा नहीं सी। सत्ते ते बलवंड नूं आख्या गुरु का कीर्तन करो गुरु सारियां ही आशा मनसा पूरियां करेगा। और उन्हां निमाणियां ने जदों गुरु की बाणी पढ़ी तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उन्हां नूं राय का खिताब दिता। गुरु नानक दे दर तों राय का खिताब मिलिया सत्ते ते बलवंडे ने। पर मन विच हंकार आ गया भई असी कीर्तन करते हाँ ते गुरु की इतनी शोभा हो रही है। इन्हां दी एक बच्चियां वर्गी भैन जिदा विवाह दे दिन नेड़े आ गए ते मन विच सोचिया भई हजारां श्रद्धालु साडे कदमां ते नमस्कारां करदे हन ते जे असी अपनी भैन दा विआह धूम धाम नाल ना कीता तां साडी इज्जत की है ते करिए भी क्यों ना धूम धाम नाल विआह। गुरु दे खजाने विच कोई कमी थोड़ी है। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चरणां विच आ के बेनती कीती महाराज साड़ी भैन का आनंद कारज है आप कृपा करो साड़ी सहायता करो। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे जो गुरु नानक दे दर तों मंगोगे जितना खर्चा है सब गुरु घर वालों होवेगा। पर मन विच लालच आ गया महाराज इस तरह नहीं भई विसाखी ते बेअंत संगतां आउंदियां हन इत्थे ते एक विसाखी दी जितनी चढ़त होवे पेटा होवे ओ सानू दे दियो। महाराज कहन लगे तुसी ठेका ना करो गुरु घर विचों तुहानू सब कुछ मिल जाएगा। नचीजियां चीज करन वाला गुरु नानक दा दर जिदे नाल मत्था ला बैठे नहीं महाराज सानू तां विसाखी दी जितनी कार भेटा है ना चढ़त आवे ओ सानू दियो। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे भाई तुहाडी मर्जी। ते जदों विसाखी दा गुरपुरब आया अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत दे नाल बहुत ही घट संगतां पहुंचियां ते 100 रुपए दे करीब जिहड़ी चढ़त चढ़ी वह महाराज ने सत्ते ते बलवंडे नूं दे दित्ती। बड़े दुखी होए महाराज इतनी कोई भेटा हुई है लगता है तुसी संगतां नूं ना कर दित्ती है लगता है संगतां नूं तुसी रोक दित्ता है जिस करके इतनी भेटा घट हुई है। महाराज कहन लगे तुसी इतनी लै जाओ जितनी चढ़त आई है
गुरु नानक इसे बरकतां पा देवेगा, फिक्र ना करो। पर इन्हां ने औखे सौखे होके लै तां लई, पर ओ नचीजियां चीज करे मेरा गोविंद, उस ओ दर छोड़ दिता भाई हुण इत्थे कीर्तन नहीं करना, क्योंकि सानू पेटा बड़ी घट मिली है। अमृत वेला हो गया, धन गुरु अर्जन देव पातशाह ते होर सारियां संगतां उड़ीक कर रही हैं भाई गुरु के कीर्तनीए आउन, कीर्तन सुनिए। जदों ना आए तां सतगुरां ने भाई साहब गुरदास जी नूं भेजिया, भाई गुरदास जी गए, महाराज कृपा करो संगतां उड़ीक रही हैं, चलो कीर्तन करो। कहन लगे असीं नहीं कीर्तन करना, साड़ी कितनी कु कदर कीती है गुरु ने, असी इतना सत्संग रोज जाके कीर्तन करते रहे ते साड़ी एहो इज्जत हुई है, 100 रुपया दे के तोर दिता है, 1000 दा खर्चा है ते 100 रुपये नाल व्याह पे आंदे हैं, असी नहीं कर सकते। भाई गुरदास जी वापस आ गए तो बाबा बुढ़ा जी नूं भेजिया, बाबा बुढ़ा जी कहन लगे चलो गुरमुखो, गुरु नानक दे घर विच किसे गल दी घाट नहीं, चल के कीर्तन करो, गुरु नानक दे खजाने भरपूर हैं, सब कुछ मिलेगा। कहन लगे वो केड़े खजाने हैं, सानू ते कोई नजर नहीं आया गुरु नानक दे घर केड़ा खजाना पिया है, असी तो सारी उम्र इत्थे कर करके ते 100 रुपया गुरु ने कदर कीती है साड़ी, असी नहीं आउना हुण कीर्तन करन। संगतां उड़ीक रहियां सन ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह गुरबाणी दा कितना सत्कार है उन्हां दे हिरदे विच, आप चल के गए। जदों सतगुरु जी धन गुरु अर्जन देव पातशाह आप चल के गए ना, ते सत्ता बलवंडा उठे ही नहीं मंजी तो कि सतगुरां नूं नमस्कार करिए, अदब करिए, गुरु घर चल के आया। इतने हंकारी हो गए कि उठ के अदब नहीं कीता, तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे प्यारे हो चलो कीर्तन करो, नाराज ना होवो, जो कहोगे हो जाएगा। कहन लगे जी असी कुछ खटिया नहीं तुहाडे कोल कीर्तन करके, साड़ी ए इज्जत तुसी कीती है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे मैं आप चल के आया, ये इज्जत नहीं, तुसी चलो जो कुछ कहोगे तुहानू माया मिलेगी, जो कुछ कहोगे मिलेगा, क्योंकि गुरु नानक दा दर निमाणिया नू मान देन वाला है। हर जियो निमाणिया तू मान, नचीजिया चीज करे मेरा गोविंद, नाचीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमानिया तू मान, हर जियो निमानिया तू मान। सतगुरु निमानिया नू मान देन वाले मेरे पातशाह, सत्ते बलवंडे दे घर चल के गए। जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं कुबचन बोले और सहार दे रहे, अखीर ते कहन लगे भई तुहानू जानदा कौन सी, आ गुरु नानक नूं कौन जानदा सी, जे साडे भरा मरदाने ने कीर्तन कीता ते सत्तां दीपां विच पता लग्या भई कोई गुरु नानक भी है,
फिर गुरु अंगद देव पातशाह जी दे पास भी असी कीर्तन करके उन्होंने उजागर किया, गुरु रामदास जी ने भी असी किया, तुहानू भी असी उजागर किया, किसी होर सोढ़ी नू कीर्तन सुनावांगे उन्हू गुरु बना लवांगे। असी उजागर करने वाले हां, प्रगट करने वाले हां तुहानू, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपना तो जो कुछ बोलिया सी कबूल बोले सी, बुरा नहीं मनाया। जदों गुरु नानक का नाम लिया ना, उदो धन गुरु अर्जन देव पातशाह रोह विच आ गए। कहन लगे जिस मुख तो तुसी गुरु नानक की निंदा कीती है ना, वो मुख विच छाले पै जाणगे, तुहाडे शरीर ते कोड़ पै जाएगा। ये आदक कह के ते फिर सारियां संगतां विच भी कह दिता, भाई इन्हां निंदकां नूं कोई मत्थे ना लावे, जिसने भी इन्हां नूं बख्शाउणा है काला मूंह करके खोते ते बह के आवेगा, फिर देखी जाएगी। पर इन्हां दी कोई फरियाद भी ना दयावे साडे कोलों, उचारण करो श्री जदों मनुख दी मत मारी जाए, माड़े दिन आ जान तां गुरु नूं भी अखां विखाउण लग जांदा है, उचारण करो श्री नचीजियां चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान, नचीजियां नूं चीज करन वाले भिखारियां नूं पातशाही देवन वाले, गुरु नानक दे घर नाल बिगाड़ बैठा सत्ता ते बलवंड, हुण कोई सिख मत्थे नहीं लाउंदा, कंठ बंद हो गया, मूंह विच छाले पै गए, शरीर ते कोड़ हो गया, शरीरां विचों मुश्क आन लगी, घर दे भी हुण मत्थे नहीं लाउंदे क्योंकि बिगाड़ लई है गुरु दे नाल। जिस वाहिगुरु ने मनुखा जन्म बख्शा है, मनुख ने उस निरंकार नाल बना के रखनी है, और चंगे कर्म करदिया होया भी अरदास करनी है, जैसा बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश चिड़के बहु भाती, बहुड़ पिता गल लावे। सब कुछ करदिया होया भी जिथों माफी मंगनी सी उत्थे अखां दिखाण लग पे, ते शरीर नूं कोड़ हो गया, कोई मत्थे नहीं लाउंदा। जिदे कोल जांदे आ ना बूआ बंद कर लैंदा है, भई ये गुरु निंदक हन, इन्हां नूं मत्थे नहीं लाउणा बिल्कुल। भाई लता पर उपकारी दियां गल्लां सुणदे रहिंदे सी, किसे ने कनसो पाई, भई तुहानूं तां हुण ओही बख्शा सकदा है, तां अमृतसर साहिब तों लाहौर चल के गए। भाई लद्दे परपकारी ने जदों सुनिया कि गुरु दे निंदक आ रहे हन, बूआ बंद कर दिता ते ए बूए ते बह गए। महाराज आप परपकारी हो ते जे सानू ना बख्शाओगे तां तेरे बूए ते ही शरीर त्याग देवांगे। चदरे लपेटे होए, शरीर गलिया होया, कोड़ दे नाल बैठे हन, ते भाई लता जी ने मन विच सोचिया, भई मैं परपकार करदा हां ते ताइयों ही कोई आउंदा ना मेरे बूए ते, आओ भाई हुक्म करो के गुरु दा हुक्म है कि मूंह काला करके खोते ते चढ़ के जेड़ा मनुख आवेगा बख्शाउण लई तां बख्शांगे तुहानू। कहन लगी ये कोई वड्डी गल नहीं। भाई लता परपकारी कहन लगी ये केड़ी वड्डी गल है, कुम्हारा को खोता किराए ते ले लिया, मूंह काला कर लिया, अगे एक टोली नू ला दिता ते आप बैठ गए खोते ते, सतगुरां दे चरणां विचों बख्शाउण लई आ रहे। बाबा अटल राय जी दे गुरुद्वारे तो होंदे हुए जदों नेड़े आए, तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह पुछण लगे, भाई ये ढोल कादा वज रहा है? किसी ने दसिया, महाराज भाई लद्दा परपकारी आ रहा है, सत्ते ते बलवंडे नू बख्शाउण लई आ रहा है, उचारण करो श्री।
ਭਾਈ ਲਤਾ ਜੀ ਉਤਰੇ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਝੱਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਨਾ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਜਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਠ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਗ ਦੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ, ਨੱਚੀ ਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ, ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਰ ਤਰ ਮਨ, ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
जय गुरु जी की।